कोरोना संक्रमण होने की और बात होगी इन सब मुद्दों से जुड़ी अफवाहों की। ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से आम इंसान के साथ साथ डॉक्टर और वैज्ञानिक भी परेशान हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कोहराम मचाया कि अब सावधानी के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। इंसान से लेकर शेरों की कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई है। वहीं तीसरी लहर के आने से आशंका भी जारी की गई है। ऐसे में बच्चों को लेकर लोग सहमे हुए हैं। जानवरों की कोरोना से मौत के बाद लोग अपने घरों में घरेलू जानवर जिन्होंने पाला उन्हें लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे हमारे आज के खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। इससे पहले कि हम इन तमाम बातों के बारे में जिक्र करें, इन सवालों के बारे में भी आपको रूबरू करा देते हैं, जैसे बच्चों में कोरोना के लक्षण कैसे पहचानें, कोरोना से ठीक बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए, इसके अलावा तीसरी लहर में युवाओं को कितना खतरा, कोरोना से ठीक होने के बाद भी क्या वैक्सीन जरूरी है, इसके अलावा वैक्सीन की दूसरी डोज लेना कितना आवश्यक, नया वेरिएंट सतह पर कब तक रह सकता है, घरेलू पालतू जानवर से कोरोना का कितना खतरा घर में रह रहे लोगों को है, और क्या कुत्तों से फैल सकता है कोरोना, ये ऐसे सवाल हैं जो आम जनमानस के भी मन में इन दिनों बने हुए हैं। जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर लगातार कई बातें सामने आ रही हैं, लोगों का कहना है कि बच्चों के लिए खतरनाक है। उसके बाद कई डॉक्टर्स ने इस बात को पुष्ट भी किया है कि अभी तक रिसर्च के अनुसार ऐसा कोई भी रिसर्च सामने नहीं आया है जिसमें पुख्ता तौर पर ये कहा जा सके कि बच्चों के लिए तीसरी लहर खतरनाक होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि तीसरी लहर के क्या कुछ सिम्टम्स रह सकते हैं, किस तरह का प्रभाव डालेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सावधानी हर किसी के लिए आवश्यक है और उन्हीं सावधानियों को लेकर लगातार हम हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना से जुड़ी हर समस्या और कोरोना से जुड़े हर सवाल को आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट रहते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। डॉक्टर आशीष विश्वास कुछ ही समय में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम बच्चों को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसके साथ ही डॉक्टर विनय कुमार एम्स से भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही समय में, जिनको तीसरी लहर को लेकर हम तमाम बातों के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले आपको सवाल के बारे में एक बार फिर से बता देती हूँ, क्या घर में पालतू कुत्तों से फैल सकता है कोरोना, बच्चों में कोरोना के लक्षण हैं तो उन्हें कैसे पहचाना जाए, इसके अलावा जो बच्चे कोविड से ठीक हुए हैं उनका यदि हम घर में ध्यान रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या कुछ सावधानियां रखनी है, किस तरह से बच्चों का ख्याल रखना है, तीसरी लहर में युवाओं को कितना खतरा, बच्चों की तो हम बात कर ही रहे हैं साथ ही साथ युवाओं की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। युवाओं को जैसा कि हमने देखने में आया है कि सेकेंड वेव में भारी संख्या में युवाओं पर भी कोरोना का संक्रमण हुआ है और कई युवाओं को, कई लोगों को इसके चलते अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में युवाओं पर तीसरी लहर का कितना खतरा बना हुआ है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। घर में खास तौर से जिस तरह से कई प्राणी उद्यानों से खबर आई है कि शेर से लेकर कई अन्य जानवर भी संक्रमित पाए गए हैं जब उनका RT-PCR टेस्ट कराया गया है, ऐसे में घर में पल रहे पालतू कुत्तों को लेकर भी लोगों के मन में संदेह लगातार बने हुए हैं कि क्या घर में रहने वाले पालतू जानवर भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं, या यदि उनको कहीं से संक्रमण लगता है तो घर में रहने वाले। और लगातार हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा, लेकिन उसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि इनका सवाल क्या है। भीम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें आप सबसे पहले। शायद संपर्क हमारा टूट चुका है यहाँ पर, और लगातार आज हम हमारे हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं तीसरी लहर की, बात करने वाले हैं बच्चों को लेकर, बात करेंगे युवाओं को लेकर, और साथ ही साथ घर में रह रहे पालतू जानवरों के बारे में भी आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं। कोरोना को लेकर जिस तरह से घर में रह रहे हर सदस्य के प्रति चिंता बनी रहती है, ऐसी ही चिंता घर में रहने वाले पालतू जानवरों के लिए भी लोगों के मन में रहती है।
कि उनके घर में जो पालतू जानवर है क्या वो सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, या जिन लोगों के साथ वो रह रहा है जो घर के बाहर आते जाते हैं क्या उनसे पालतू जानवर को संक्रमण होने का खतरा है या पालतू जानवर से घर के लोगों को संक्रमण होने का खतरा है। ये कई अहम सवाल हैं जिनको लेकर कई लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की है, और इन तमाम सवालों का जवाब हम हमारे आज के कार्यक्रम में लेंगे। किस तरह से कोरोना काल में घर में दूरी बनाए रखना है, यदि घर में कोई बाहर से आने जाने वाला व्यक्ति है, कर्मचारी व्यक्ति है, तो उसे घर में कैसे आइसोलेट रहना है या घर वालों से थोड़ी सी दूरी बनानी है। इसके अलावा आपके घर में यदि कोई पालतू जानवर आपने पाला हुआ है तो उसका इस कोरोना काल में किस तरह से ख्याल रखना है, और साथ ही साथ उस पालतू जानवर से कैसे अपने घर के सदस्यों को और ख़ासतौर से बच्चों को बचाना है या बच्चों को भी के लिए जो सावधानियां रखनी हैं, इन तमाम सवालों के बारे में हम लगातार बात करेंगे। कोरोना काल को लेकर जिस तरह से हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने तमाम जागरूकता आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लगातार आपसे तमाम एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स अपील भी कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आप ज़रूर आगे जाइए। यदि कहीं ज़रा भी झिझक आपके मन में रह गई है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये अपील की है, जिस तरह से डॉक्टर सूर्यकांत KGMU के लगातार ये अपील करते हैं और उसको प्रोत्साहित भी करते हैं तमाम अपनी बातों के साथ ही साथ। कई वीडियो उन्होंने ऐसे बनाए हैं जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में यदि हमें कोरोना से निजात पानी है, मुक्ति पानी है पूर्ण रूप से, तो वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से पहले हम अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं, खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। और यदि समाज का हर व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए जागरूक होता है, वैक्सीनेशन करवाता है, तो आगे आने वाले कुछ समय में हम हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि कुछ देशों में हुआ है, अमेरिका या अन्य कुछ देशों में आज हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज आ चुकी है। और ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी के बाद ये आसान हो जाता है कि आप घर के आसपास बाहर निकल सके, और मास्क का प्रयोग आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं जब ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी होती है। इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, महमूद लखनऊ से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है, और लगातार हम आज के बातचीत करेंगे। और इसी बीच हम चर्चा करने की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर आशीष विश्वास चाइल्ड स्पेशलिस्ट जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो कार्यक्रम में, और जी नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज हम विशेष तौर पर बच्चों को लेकर बातचीत करने वाले हैं। बच्चों को लेकर हमने कई अन्य बार चर्चा की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के मन में रहते हैं, उन सवालों को हम हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से उठाएंगे। बच्चों में लेकर हमेशा मेरा यही प्रश्न रहता है कि बच्चा यदि बड़ा है, 7-8 साल का है, तब तो वो आप तक अपने पेरेंट्स तक अपनी तकलीफ़ पहुंचा सकता है कुछ हद तक कहकर, लेकिन बच्चा यदि छोटा है, 2 से 5 साल के बच्चों की यदि हम विशेष तौर पर बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को तकलीफ़ होती है लेकिन वो अपनी तकलीफ़ लोगों को बता नहीं पाते। ऐसे में वो कौन से लक्षण हैं जिसके माध्यम से माता पिता बच्चों में कोरोना के लक्षण को पहचान सकते हैं, और किन लक्षणों के बाद हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत बढ़ जाती है? देखिए ऐसा होता है कि बच्चों में संक्रमण, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी जी, आप अपना जवाब कंप्लीट करें। जो लक्षण होते हैं और जो बीमारी होती है कोविड की, वो अपने आप से नहीं आती है। निश्चित तौर पर घर में जहाँ पे बच्चा रहता है अपने अभिभावकों के साथ में, किसी न किसी बड़े को, किसी न किसी बुजुर्ग को जो कि कोरोना संक्रमित है और बाकी के परिवार के सदस्यों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो बच्चों को स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनको जो बीमारी होती है कोविड, किसी न किसी बड़े या किसी न किसी बुजुर्ग से ही होते हैं। तो अगर बड़े लोग हैं वो अपने लक्षणों का ध्यान दें और उसी समय रहते अपने आप को टेस्ट कराएं, और उनको अगर किसी कोरोना से संबंधित जैसे इंफ्लुएंजा लाइक इलनेस है, उससे लक्षण उनके शरीर में आ रही है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम है, बुखार है, खांसी है, और भी कोई लक्षण वगैरह आ रहा है आजकल, क्योंकि म्यूटेट हो रहा है वायरस, तो कुछ लोगों को ज़रूरी नहीं है कि सर्दी खांसी हो, उनको हो सकता है सीधे डायरिया हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सूंघने की शक्ति या खाद की शक्ति, जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है, सेंस ऑफ स्मेल होता है, वो बीमारी में प्रारंभिक लक्षण के तौर स्वरूप में देखा गया है। तो ये सब अलग अलग तरह के लक्षण हैं अगर बड़ों में आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें जिससे परिवार के बाकी लोग जो है वो संक्रमित ना हों। और इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि आपके परिवार में किसी को लगता है वो संक्रमित हो गया है,
तो निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर छोटा बच्चा है 2 साल का स्पर्श है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो वो अपने आप से को नहीं ले सकता है, उसके साथ में कोई ना कोई उसका केयर गिवर, जैसे उसका कोई गार्जियन हो, जैसे उसकी माँ हो गई या पिता हो गया, उसको बच्चे के साथ में रहने की जरूरत है। और एक टाइमलाइन मेंटेन करना है कि उसका पहला सिम्टम क्या था, क्या बीमारी उसको सर्दी खांसी जुकाम से शुरू हुई या बुखार से शुरू हुई या और कोई प्रारंभिक लक्षण है, वो बाल रोग विशेषज्ञ से फोन पे संपर्क कर सकते हैं और इन लक्षणों का एक टाइम टेबल, एक डायरी मेंटेन कर सकता है। बहुत ज़्यादा उसको दवाइयाँ नहीं लेनी है, बस एक टेम्परेचर चार्टिंग करनी है, फोटोसिट चावल ली और पैरासिटामॉल सबको पता ही है, वो 10 to 15 mg/kg पर डोज के साथ हम लोग दे सकते हैं बच्चों में। तो बुखार के लक्षण देखने हैं और 100 के ऊपर अगर बुखार जाता है तो उसको पैरासिटामॉल देना है, हाइड्रेशन उसका ठीक रखना है, पानी पिलाते रहना उसको, उसके पोषण पर भी ध्यान देना है, भोजन वगैरह इत्यादि समय से देना है, पौष्टिक भोजन देना है, खाने में इसकी हरी सब्जियाँ होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, और जो नॉर्मल खाना जो एनर्जी डेंस फ्रूट्स होते हैं जिसको आप देते रहिए, बाकी लोगों को जो है थोड़ा सा उससे अलग रख सकते हैं, लेकिन उस समय बहलाना भी ज़रूरत है कि बच्चा किसी भी तौर से विकसित ना हो, ऐसा ना लगे कि वो बीमार है या उसको लगे किसी डर की भाई क्या हो रहा है हमारे साथ में, ये आप उसको थोड़ा सा अलग रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा संक्रमित होता है, आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों में लक्षण जो होते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होते आमतौर पर, क्योंकि ये भी देखा गया है कि बेसिकली ये कोरोना वायरस जो होता है साइकोटिंग के थ्रू और एस रिसेप्टर्स होते हैं हमारे जैसे पैसेंजर्स में उनसे टैच होता है, तो उसके लक्षण आते हैं। बच्चों में ये पाया गया है कि एस रिसेप्टर्स की मात्रा कम होती है, तो बीमारी होने के बावजूद भी उनमें लक्षण जो होते हैं कुछ कम हो सकते हैं या ना देखने को मिल सकते हैं। और आजकल जो है टीकाकरण पर भी बहुत जोर देना चाहिए पेरेंट्स को, कि अगर उनके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये इंश्योर करना चाहिए कि बाकी परिवार के जितने सदस्य हैं वो समय रहते अपने आप को ये वैक्सीनेशन करवाएं। और आमतौर पे दो वैक्सीन जो हम लोग सेल्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोवैक्सीन कोविशील्ड, अब रशिया से स्पुतनिक भी आ गया, उसका शेड्यूल अभी आना बाकी है। तो अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हैं तो ये बात आप जान लीजिए कि गंभीर रूप से बीमारी कोविड जो है उनको नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उसके जो भयानक परिणाम है वो शायद उनको देखने को ना मिले या आइसोलेशन जरूरत ना मिले, तो इससे वो अपने बच्चे को भी बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। और फिर भी अगर बच्चे में लक्षण दिख रहे हैं तो बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। आमतौर पर अगर बुखार उसका 1-2 दिन है, 3 दिन है, पैरासिटामॉल देने से ठीक हो गया है, तब कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर बुखार ऐसे बच्चों में परसिस्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4-5-6 दिन हो गए हैं बुखार नहीं छूट रहा उसका, या और भी लक्षण हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए डायरिया प्रोफीट हो रहा है, दस्त लग रहे बच्चे को, या सर्दी खांसी बहुत जुकाम बहुत ज़्यादा है, या फिर पतली चल रही है उसकी, या आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का मेंटल स्टेटस या सेंसोरियम ठीक नहीं है, ड्राउजी लग रहा है बच्चा, या उसको बैठा रहे हैं खड़ा कर रहे हैं बच्चा ललका के गिर रहा है, या उसका पल्स जो है आपको फीवर लग रहा है, तो ऐसे केस में घर पे रह के उपचार करना ठीक नहीं है। ऐसे बच्चों को निश्चित तौर पर पीडियाट्रिशियन की देख रेख में उसको हॉस्पिटलाइजेशन की इंडिकेटेड है, और उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा जहाँ तक उसका सैचुरेशन वगैरह ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। अगर सैचुरेशन कम होगा या बिस्तर ज़्यादा हो गया या निमोनिया के साइंस होंगे, तो ऐसे बच्चों में कुछ जाँचें हैं जो कि निश्चित तौर पर करानी चाहिए, प्रारंभिक जाँच शायद कराने की जरूरत ना हो, और उसके ट्रीटमेंट जो होता है वो हॉस्पिटल में संभव होता है, घर से लेके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं दे सकते ना। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और राजकुमार जी उरई से हमारे साथ कॉलर जुड़े, जान लेते हैं कि इनका सवाल क्या है। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और इसी बीच आगे हम बढ़ेंगे, डॉक्टर विनय कुमार एम्स से हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले कार्यक्रम में, और इसके बाद जिस तरह से हम आज लगातार बच्चों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, हाल ही में मैंने एक खबर मेरी जानकारी में आई है जिसमें यह है कि नवजात बच्चे को कोरोना हुआ, माँ को भी हुआ था, लेकिन 48 घंटे में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बच्चे में 48 घंटे में नेगेटिव रिपोर्ट का आ जाना क्या कोरोना संक्रमण नहीं था, या फिर इतनी जल्दी बच्चे में कोरोना संक्रमण होने के बाद ठीक हो गया इसलिए रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये जानना चाहती हूँ। जी विनय कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। मैंने अपना सवाल रखा है, यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए अपना सवाल दोहरा सकती हूँ एक बार। नहीं नहीं, मैंने सुन लिया है जी। देखिए जो मैं, आप बोल सकता हूँ क्या आप लोगों जी? जी बिल्कुल जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज।
के ये जो आपने विषय रखा है, इसमें मैं एक चीज आप लोगों के सामने रखूंगा कि जो ये कोविड हम आरटीपीसीआर रिपोर्टिंग करते हैं या रैपिड एंटीजन करते हैं, उसमें जब हम सैंपल लेते हैं किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, तो उसमें सैंपल लेते समय सैंपल की जो टेक्निक होती है उस पर बहुत विशेष ध्यान देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज पॉजिटिव होता है पर सैंपलिंग एरर की वजह से उसका बार बार नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जो आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन है उसका नेगेटिव आना और कोरोना के लक्षण होना ये नहीं दर्शाता है कि वो रिपोर्ट नेगेटिव है तो कोरोना बीमारी नहीं हो सकती। अगर लक्षण है तो बीमारी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी टेस्ट की 100% जो सेंसिटिविटी होती है या स्पेसिफिसिटी होती है वो नहीं हो पाती है किसी भी चीज़ की, और इसकी तो वैसे भी 65-70% ही है। अब रही बात आपने जो मेरे सामने लाया कि बच्चे की बात, देखिए बच्चा जो था वो जब डिलीवरी हुई होगी तो उस समय वो तुरंत आइसोलेट नहीं हो पाया होगा उस इन्वायरमेंट से, और संभवतः जब उसने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को यूज़ किया होगा तो वहाँ पर कुछ एरोसोल्स होंगे जो उसने ले लिए होंगे, और जब उसका रिपोर्टिंग हुई, जब उसका सैंपल लिया गया तो वो कोविड पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर क्योंकि हम एंटीबॉडी टेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एंटीजन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो सैंपल में वो वायरस के कण आ गए होंगे और वो पॉजिटिव आ गया होगा बच्चा। पर दोबारा जब 48 घंटे के बाद किया गया होगा तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो या तो सैंपलिंग एरर हो गई होगी, सैंपलिंग एरर की वजह से जहाँ जहाँ स्वैब को घुमाया गया होगा ओरल या नेजल कैविटी में उस बच्चे के, हो सकता है कि वो जगह छूट गई हो या कुछ उस स्वैब में वो कण आए ना हो, तो इसलिए वो नेगेटिव आया हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि 48 घंटे में अगर कोई बच्चा, क्योंकि वो पैदा ही हुआ होगा तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत पहले से उसको इम्यूनिटी हुई होगी, तो 48 घंटे में मुझे नहीं लगता है कि वो नेगेटिव हुआ होगा। हालांकि मदर टू बेबी का जो इम्यूनोग्लोबिन का ट्रांसफ़र है उसके जरिए उसके अंदर कुछ इम्यूनिटी आई होगी, पर संभवतः ये मोस्ट प्रोबेबली सैम्पलिंग एरर होगी। और पिछले प्रोग्राम में भी हमने बताया था कि बच्चों की इम्यूनिटी ठीक तो करते हैं, तो उस ये देख कि बच्चे को सिम्टम्स तो नहीं है, अगर सिम्टम्स नहीं है तो बच्चे को आइसोलेट करके, और अगर सिम्टम्स हैं तो फिर से कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी इलाज होता है बाल रोग विशेषज्ञ या फिर इसके जानकार आगे करेंगे। जी बिल्कुल आशीष जी, आपके पास आऊंगी। अगला सवाल यहाँ पर ये है, बच्चों के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं, तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से आशंकाएं लोगों के मन में आ रही हैं, बच्चों को लेकर भी और युवाओं को लेकर भी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार हम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास ऐसा अभी पुख्ता तौर पर कोई रिसर्च नहीं है, बच्चों को लेकर भी कई डॉक्टर्स ने इसे खारिज किया है कि पूरे तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक किसी भी रिसर्च ने इसे प्रूव नहीं किया है कि बच्चों के लिए इतनी घातक रहेगी। तो बच्चों के साथ ही साथ तीसरी लहर का युवाओं पर और बच्चों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। सवाल समझ लेता है, मतलब किस लेवल को जी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं तो बहुत लोगों के मन में हैं, लेकिन क्योंकि आप इतने सारे पेशेंट्स को देखते हैं साथ ही साथ मेडिकल फील्ड में भी हैं आप, तो तीसरी लहर को लेकर बच्चों और युवाओं पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, उन्हें कितने सावधान रहने की जरूरत है? नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, मतलब ऑडियो शायद ठीक नहीं था जी। के लेवल को क्या क्या आपने बोला, बिल्कुल रेशियो को लेकर, तीसरी लहर को लेकर, थर्ड वेव को लेकर आगे आने वाले समय में बच्चों और युवाओं को कितना प्रभावित कर सकती है तीसरी लहर? अच्छा, तीसरी लहर की बात आप कर रहे हैं। जी जी ठीक है, ठीक मैं समझ गया। देखिए हमारे क्योंकि वायरस जो है बहुत ही रैपिडली म्यूटेटिंग वायरस है, इसकी पहली लहर आई, फर्स्ट वेव आया, फिर सेकंड वेव आया, तो आशंका थी कि जब बेसिकली बहुत सारे लोग एक थर्ड इम्यूनिटी की बात होती है, बहुत सारे लोग, अभी हमने देखा सेकंड वेव चल ही रहा है और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए, बहुत लोग की मौतें भी हुई हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज भी हुई हैं। अब धीरे धीरे हम लोग डेटा देख रहे हैं कि बेसिकली कोविड के केसेस कम हो गए, कोविड हॉस्पिटलाइजेशन कम हो गया, कॉम्प्लिकेशन कम हो गए। अभी कुछ दिनों पहले तक तो ऑक्सीजन बेड की क्राइसिस वगैरह थी, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा था, अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें कम हो गए। और ये भी साइंटिस्ट ने बताया कि
ये क्योंकि रैपिडली म्यूटेटिंग वायरस है तो इसमें इस तरह के वेव्स और एपिडेमिक्स वगैरह लोकलाइज्ड एंडेमिसिटी या फिर एपिडेमिक्स वगैरह कॉमन है। तो तीसरे लहर को लेकर ये माना गया है कि पहली लहर में बुजुर्ग लोग अफेक्ट हुए थे तो उनका वैक्सीनेशन हुआ, और क्योंकि जो मध्यम वर्गीय लोग थे और जो बेसिकली इस एज के थे 30 से लेकर 50 साल की उम्र के लोग, जो बेसिकली लोग नौकरी पेशा थे, नौकरी या व्यापार के चक्कर में लोग अपने घर से बाहर रहते थे, या जो लोग बेसिकली भीड़भाड़ वाले एरिया में जाते थे, या बीच में इधर चुनाव वगैरह भी हुए हैं तो काफ़ी लोग संक्रमण उसकी वजह से भी हुए हैं। तो ये देखा गया है कि अब क्योंकि पैराडाइम एज शिफ्ट हो रहा है इसमें, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने आशंका ये जताई थी कि तीसरी लहर जो आएगी उसमें बच्चे प्रभावित होंगे। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं और जो ICMR WHO बहुत सारी संस्था है, ये सब लिए है इंडियन अकेडमी भारतीय बाल रोग संस्था है, उन लोगों ने ये देखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये तीसरी लहर में ही बच्चे अफेक्ट होंगे। पहली लहर जब आई थी तब भी तो बच्चे अफेक्ट हुए थे, जो दूसरी लहर आई थी तो उससे भी बच्चे जो है संक्रमित हुए थे। लेकिन आमतौर पर आपने अखबारों में, खबरों में और जो बाकी बाल रोग अकेडमी के सदस्य उन लोगों ने भी ये चीज़ बताई है कि बच्चों में संक्रमण हुआ तो ज़रूर था, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे इससे प्रभावित नहीं हुए थे, उनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले। आप मान सकते हैं कि इसका हम इससे जो संक्रमित बच्चे हैं उससे हार्डली एक आधे दो बच्चे ऐसे होंगे जिनको भर्ती कराने की ऑक्सीजन वगैरह लगी होगी, बेड की जरूरत पड़ी होगी, कुछ दवाएं चली होगी। तो ये देखा गया है क्योंकि इसका जो है बच्चों में एक रिसेप्टर कम होते हैं तो इससे वायरस का संक्रमण या उनका जो है अटैक कर पाना बच्चों में वो ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उनमें संक्रमण की आशा हम लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी तैयारी ज़रूरी है। तो युद्ध स्तर पर सरकार तैयारी कर रही है, हम लोग जो भारतीय बाल रोग अकेडमी सदस्य हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनकी भी तैयारी, हॉस्पिटलाइजेशन में अलग से बेड प्रोवाइड किया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि प्रत्येक जिले में 50-100 बेड का पीडियाट्रिक कोविड ICU बने, SU बने, जहाँ पे अगर बच्चे हमारे प्रभावित होते हैं तो उनको रखा जा सके। क्योंकि हम जो है बैकफुट में जो है गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं सरकार और लोग भी, तो इसलिए तैयारी रखना आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे संक्रमित होकर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे या उनमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं। आमतौर पर विशेषज्ञों की राय भी यही है कि हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है बीमार पड़ेंगे, लेकिन फिर भी तैयारी ज़रूरी है। और अगर कुछ बच्चे अगर मान ली बीमार पड़ते भी हैं तो हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि हम उनको संभाल सकें, समय से दवा दे सकें, समय से ऑक्सीजन दे सकें या उनकी दवा। आजकल वैक्सीन सभी देखिए ट्रायल चल रहा है, तो ये भी मेरे ख्याल से शायद 2-3-4 महीने में कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है भारत बायोटेक का, तो शायद हम लोग पीडियाट्रिक वैक्सीन भी लेके आए जिससे बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सके समय से, और उनको तीसरी लहर से चौथी लहर अगर आएगी तो उससे बचाया जा सके। और इसके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि पेरेंट्स अगर वैक्सीनेटेड हैं तो निश्चित तौर से वो लोग जो है कम बीमार पड़ेंगे, उनमें कॉम्प्लिकेशन कम होंगी, और क्योंकि वो बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पेरेंट्स वगैरह, तो इसलिए उनके संपर्क में रहने वाले बच्चे भी कम संक्रमित होंगे। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और बशीर खान जी राजस्थान से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी बशीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, अपना सवाल रखे आप। मेरा सवाल यही है कि मैंने दो डोज वैक्सीन ले चुका हूँ। जी दोनों डोज वैक्सीन लग चुकी है। जी हेलो जी, आपकी आपका सवाल हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें आप। मैं यही कह रहा हूँ दोनों डोज वैक्सीन लग चुकी है। जी इसके आगे आप क्या जानना चाहते हैं? दोनों डोज वैक्सीन आपको लग चुकी है, इसके अलावा आप क्या जाना, क्या कोई समस्या है या क्या सवाल है आपका? जी बिल्कुल, फिलहाल तो मास्क पहनना जरूरी है क्योंकि भारतवर्ष में अभी तक ज्यादातर परसेंटेज लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। लेकिन आप ने हमें कॉल किया, आप लाइन पे बने रहिए, आपका सवाल मैं डॉक्टर साहब के सामने जरूर रख देती हूँ। डॉक्टर विनय आपके पास आना चाहूंगी, हमारे दर्शक हैं बशीर खान राजस्थान से, और इनका सवाल ये है कि दोनों डोज वैक्सीन के इन्होंने लगवा लिए हैं। अब ये सवाल इनका ये है कि क्या मास्क पहनना आज के डेट में जरूरी है इनके लिए? जी डॉक्टर विनय कुमार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। देखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है ना, इसको अपनाए रखना तब तक जरूरी है जब तक कि ये कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व से खत्म नहीं हो जाता, या कम से कम हमारे भारतवर्ष से। वैक्सीन लगवाने का ये मतलब कतई नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता,
हाँ, वैक्सीन लगवाने से आपके अंदर इम्यूनिटी आएगी और आप वायरस से लड़ने में सक्षम होगी आपकी बॉडी, और प्रतिरोधक क्षमता आपकी पहले से बेहतर होगी, तो आप सुरक्षित हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता और आप वही इन्फेक्शन किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी तरीके की कोई भी वैक्सीन आपने लगवाई है, दोनों डोज लगवाई है, पर आप मास्क पहनिए, आप हाथों को सैनिटाइज करिए, धोइए रेगुलर तरीके से, आप 2 गज की दूरी या 6 फिट की दूरी आप बनाकर रखिए, और जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं या लॉकडाउन लॉकडाउन है आपके एरिया में, तो आप उसका पालन जरूर करें। आपने वैक्सीन लगवाई, ये बहुत अच्छी बात है। और जी बिल्कुल डॉक्टर विनय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर आशीष, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और अपने दर्शकों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि लगातार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना से जुड़े हर सवाल को हम एक्सपर्ट्स के सामने रख रहे हैं, ताकि आपको अपने हर सवाल का जवाब हमारे कार्यक्रम के माध्यम से मिल सके। इसके अलावा भी यदि आपके कुछ सवाल हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कोई पेशेंट है उसके बारे में सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सेचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है, और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुद को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार के न्यूज़ ने कोशिश की है कि तमाम दर्शकों तक कोरोना से जुड़े हर वो सवाल, हर वो बात पहुंचाई जाए जो आपके मन में है। इसके अलावा भी यदि आपके कुछ सवाल हैं, तो आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना के हर पहलू को छूने का हमने प्रयास किया है, और कोरोना से जुड़े हुए जितने भी सवाल, जितनी भी समस्याएँ
लगातार लोगों के जहन में आती हैं, वो अपने कार्यक्रम के दौरान हम लगातार उठाते हैं, एक्सपर्ट से उनके जवाब भी लेते हैं, ताकि आप तक पूरी जानकारी और ख़ास तौर से सही जानकारी पहुंच पाए, जिसके माध्यम से आप अपना भी बचाव कर सकें और साथ ही साथ अपने घर में लोगों को सुरक्षित भी कर सकें। लगातार आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ डॉक्टर आशीष विश्वास चाइल्ड स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर विनय कुमार एम्स से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे हम और डॉक्टर विनय आपके पास पहले आऊँगी। और सवाल यहाँ पर यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर हम बात कर रहे थे, हमारे दर्शक का भी ये सवाल था कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या मास्क पहनने की ज़रूरत है। वैक्सीन को लेकर इसके अलावा भी लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। पहले जिन लोगों को कोविशील्ड की डोज लगाई जा रही थी, उन्हें 40 से आगे कुछ दिनों का सेकेंड डोज का टाइम पीरियड दिया जा रहा था। अब जिन लोगों को कोविशील्ड की डोज फर्स्ट डोज लगाई जा रही है, उन्हें 84 दिनों का अंतर रखने को कहा जा रहा है। और ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज लगी हुई थी, उनके मन में ये दुविधा भी आ रही है कि पहले 40 दिन और अब 84 दिन, आखिर कौन सा कोर्स है, वो कौन सा सही है? और अगर किसी ने अभी तक अपनी सेकेंड डोज नहीं लगवाई है तो क्या उन्हें 84 दिनों के बाद लगवाना चाहिए, या जिस डेट पे उन्हें 40 दिनों के लिए बोला गया था उसी दिन पे डोज लगवानी चाहिए? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और कई लोगों ने ये सवाल मुझसे किया है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो नई गाइडलाइंस आती हैं, वो गाइडलाइंस समय समय साइंस को होती है, समय समय पर प्रयोग और अपने रिसर्च रिजल्ट से गाइडलाइन की है, जिसमें आम जनमानस का ज्यादा बेहतर फायदा। तो जो नई गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार ऐसा देखा गया है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है, जो डोज लगती है कोवैक्सीन या पहली डोज इसकी वैक्सीन की जो लगती है, उसके बाद जो इम्यूनिटी में जो एक बढ़ोतरी होती है, जो एंटीबॉडीज में बढ़ोतरी होती है, वो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि 2 महीने के आसपास में वो अच्छे से एंटीबॉडीज शरीर हमारा डेवलप कर देता है। और जब भी आप ये देखें कि जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी में होता है या कोई वैक्सीन हम बॉडी में देते हैं, तो उस दौरान ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके की इम्यूनिटी बने या एक ही तरीके के जो एंटीबॉडी सेल्स हैं वो बने, वो मल्टीपल डायरेक्शन में बॉडी काम करती है और मल्टीपल तरीके के एंटीबॉडीज के सेल्स बनते हैं। तो जिस तरीके जो बॉडी का एक समय होता है, इस वैक्सीन में ऐसा देखा गया है, जब कोरोना वैक्सीन में, कि अगर ज्यादा अंतराल रहे, जैसे पहले जो था वो लगभग 28 दिन से 1 से 1.5 महीने था, लेकिन अब ये देखा जा रहा है, रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर हम 3 महीने के आसपास का समय दें, 2 महीने से 3 महीने के आसपास का समय दें, तो बॉडी में इम्यूनिटी और जो होगी वो अच्छी होगी और एंटीबॉडीज ज्यादा अच्छे से बनेंगे। अब ये दूसरा सवाल ये है कि जिनका शेड्यूल्ड डोजिंग पहले से फिक्स है, तो अगर उनकी कोविन ऐप में वो जाकर देखें, अगर उनकी डोज पहले से ही फिक्स है, तो वो उसी डोज उसी डेट्स पे लगवाएं। और क्योंकि सरकार ने ऑटो प्रोग्रामिंग के जरिए इसको स्वतः ही चेंज कर दिया है, तो आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने कोविन ऐप में अपनी डेट देखें, अगर सेकेंड डोज की उसकी जो भी फिक्स डोज उस ऐप में दिखाती है, उसी पे जाकर वो अपनी वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज ले। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे हम और डॉक्टर आशीष अगला सवाल आपसे करेंगे। जो सिर से बच्चों को लेकर लगातार रिसर्च भी चल रही है और आपने भी बोला है, कई अन्य लोगों का कहना है, तो बच्चों को लेकर यदि हम खास तौर से वैक्सीनेशन की बात करें, तो और कितना समय हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अब कवर कर लिया गया है, तीसरी लहर की जिस तरह से हम बात करते हैं, पेरेंट्स एक तरह से सिक्योर हो जाएंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के लिए यदि हम देखें तो और कितना समय, कितना लंबा वक्त हमें इंतज़ार करना होगा वैक्सीन के लिए या अदर वेरिएंट्स के लिए भी, जैसे नेजल स्प्रे की बात हो रही थी, कई अन्य चीज़ें बाजार में आने वाली हैं। हेलो जी डॉक्टर आशीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर आशीष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज काफी धीरे में आ रही है, थोड़ा सा जी एक बार मैं सवाल को फिर से इलैबोरेट कर देती हूं। बच्चों की हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, वैक्सीन की भी हमने बात की है लगातार, बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए ये अच्छी खबर है कि लगातार वैक्सीनेशन कराया जा रहा है,
पेरेंट्स को आपने बोला है कि वैक्सीनेट होकर सिक्योर हो जाना बेहतर है, पर बच्चों की वैक्सीन की या बच्चों के लिए बाकी वेरिएंट्स की अगर हम बात करें, नेजल स्प्रे या इस तरह का मार्केट में, तो अभी और कितना वक्त हमें इंतजार करना होगा? देखिए, बहुत सारे वैक्सीन जो है उन पर रिसर्च चल रहा है विश्व भर में। कुछ आपकी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं, कुछ एडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन हैं, कुछ आपकी इंटरनेशनल इनहेलेशनल वैक्सीन हैं, कुछ कंपनीज आपकी सिंगल डोज वैक्सीन भी उन पर काम चल रहा है। जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए, यूरोप में कुछ वैक्सीन पे ट्रायल चल भी रहा है, सिंगल डोज वैक्सीन पे, इनहेलेशनल वैक्सीन पे। और भारत बायोटेक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल रखा था कि वो 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों पे वैक्सीन पे ट्रायल करना चाहती है, जिसको ICMR और हमारी जो कोविड अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है से संबंधित नेगवैक्टी है, उसने अप्रूवल भी दिया है। और पुणे में और उसके मल्टीसेंटर ट्रायल चल रहे हैं कई बड़े इंस्टीट्यूशंस में, कि जो हमारे पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चे हैं 2 से लेकर 18 साल के, उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, 2 से लेकर 8 साल, 8 से लेकर 14 साल, 14 से 18 साल के बीच में। और उन वैक्सीन उन पे बच्चों पे वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। सिंगल डोज जो एक टाइमिंग डोज होता है, जो पहला डोज होता है उसको एक टाइमिंग डोज होता है, उसके जो सेकेंड डोज होता है वो एक बूस्टर डोज होता है। तो प्राइमर प्राइमिंग डोज के कुछ हफ्तों बाद उनका टेस्ट करते हैं, और बूस्टर डोज का एक अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन वो लोग निर्धारित करते हैं कि बूस्टर डोज जो है वो कितने समय बाद लगना उचित है। पहले जैसे आपने देखा होगा कोविशील्ड में चार हफ्ते का गैप था, कोवैक्सीन में भी 4 हफ्ते का गैप था। जी जी आशीष जी, मैं यहाँ पर जरा सा आपको इंटरप्ट करूंगी, एक सवाल इसी के साथ और ऐड कर देना चाहूंगी। कई लोगों का ये भी कहना है कि पहली डोज लगवा ली है तो क्या सेकेंड डोज लगवाना जरूरी है? डेफिनेटली बहुत जरूरी है। जो पहली डोज की एफिकेसी होती है बहुत ही कम रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोवैक्सीन है, उसकी पहली डोज की एफिकेसी हार्डली 3-4% रहता है। और उसका सेकंड डोज जो होता है कोवैक्सीन का, पहले 4 हफ्ते था लेकिन अब गैप थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 4-6 वीक्स में आप लगवा सकते हैं। कोविशील्ड में पहले ये गैप जो है 28 दिन 4 हफ्ते का था, उस गैप को बढ़ा करके 12-16 हफ्ते कर दिया गया है। जो सेकेंड डोज होता है एक बूस्टर की तरह काम करता है, जो प्राइमिंग डोज होती है पहली डोज, उसके इफेक्ट को बूस्ट करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो बूस्टर डोज जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, भले वो 60-70% एफिकेसी उसकी क्यों ना हो टोटल, ये देखा गया है। लेकिन बूस्टर डोज जो है वो पहले डोज से ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वैक्सीनेशन समय रहते समय से कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों में भी यही देखा जा रहा है, अभी तो ट्रायल्स बच्चों में चल रहे हैं, 3-4 महीने के बाद शायद बच्चों के वैक्सीन मार्केट में आ जाए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च कर दे, तब उनमें देखा जाएगा कि उन बच्चों पे क्या असर होता है। हालांकि ट्रायल्स वगैरह बहुत ही जुडिशियस है और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, और बहुत हमको ये भी देखना है कि बच्चों पे उनके कोई नुकसान ना हो, कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। लेकिन ट्रायल जो है, अगर एडिक्वेट ट्रायल हुआ है तो वो जो वैक्सीन बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट पे लॉन्च करेगी, तो वो आफ्टर फुल टेस्टिंग लॉन्च करेगी, जो बच्चों के लिए निश्चित तौर से सेफ होगा, एफिकेशियस होगा और हमारे बच्चों को इस बीमारी के आने वाले लहरों से बचाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर विनय, फैमिली के बारे में हमने बात की, एडल्ट्स के बारे में, बच्चों के बारे में बात हो गई है। एक अन्य सवाल जो आजकल लोगों के जहन में है, जिस तरह से कई जू में कई एनिमल्स के संक्रमित होने के बाद लोगों के घर में, जिनके घर में पालतू डॉग्स हैं या अन्य जानवर हैं, उनके जहन में भी एक सवाल ये हो रहा है कि वो अपने घर में पालतू जानवरों को कैसे सुरक्षित रखें या उनसे कैसे सुरक्षित रहें। क्या घर में यदि कोई कोविड पॉजिटिव है तो उससे घर में रहने वाले पेट एनिमल, या पेट एनिमल कहीं बाहर से यदि आता है तो पेट एनिमल से घर के लोगों में कोरोना होने का खतरा है? जी डॉक्टर विनय, डॉक्टर विनय क्या आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपका प्रश्न सुन लिया था, बीच में कट गई थी शायद। ये इस तरह से है कि यदि कोई पेट आपके साथ रह रहा है तो उससे आपको कैसे कोविड से बचना है, या कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। अगर जी मैं रिपीट कर देती हूँ, जी अगर घर में पेट है तो पहली बात तो ये है कि घर में रहने वाले लोग किस लोगों से क्या पेट में तो संक्रमण जाने का खतरा नहीं है, और दूसरी बात ये कि पेट क्योंकि कई बार कई जगह से घूमकर भी आता है तो पेट से क्या घर में रहने वाले लोगों को भी संक्रमण हो सकता है, यानी कि एक दूसरे से क्या संक्रमण होने का खतरा है?
क्योंकि ये संक्रमण की बीमारी है, तो संक्रमण किसी से भी किसी की हो सकता है। और ऐसा देखा भी गया है कि कुछ पशुओं में COVID-19 के जो वायरस का इन्फेक्शन है वो हुआ है, पर अभी सफिशिएंट डाटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट सोर्स क्या है इस स्प्रेड का ये नहीं पता चल रहा है। तो अभी ये बहुत अर्ली होगा अगर कुछ मैं इसके बारे में कमेंट करूँ। हाँ, लेकिन क्योंकि ये संक्रमण की बीमारी है, तो अगर आपके साथ कोई, जैसे आपने कहा कि कोई, मान लीजिए कोई आपका पेट है जो बाहर से घूम कर आ रहा है और घर में आ जा रहा है, वो संक्रमण तो नहीं ला रहा है। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर पेट के आसपास है तो उससे इतनी दूरी एटलीस्ट बनानी चाहिए कि कोई भी एरोसोल्स अगर वो जनरेट कर रहा है तो वो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए। हालांकि बहुत ही रेयर डेटास अवेलेबल हैं कि ह्यूमन टू ये पेट्स कोविड हुआ है या पेट्स टू ह्यूमन कोविड हुआ है। तो आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ अपनाते हैं, वैसे आप अपने जो भी पालतू जानवर है उसके साथ अपनाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। पर क्योंकि डेटा बहुत कम अवेलेबल है और जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, तो रिस्क जो है एनिमल का कोविड स्प्रेडिंग में वो बहुत ही कम समझा गया है अभी। जी, तो क्या कोरोना काल के इस दौर में थोड़ा सा आइसोलेशन घर के पेट्स के साथ या पालतू जानवरों के साथ भी बनाना जरूरी है या ठीक होगा? ना, मैंने पहले भी कहा कि जो भी बीमारी इस तरह से फैलती है एक जीव से दूसरे जीव के लिए, वो जरूरी नहीं है कि ह्यूमन, क्योंकि अलग है एनिमल अलग है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि एनिमल टू ह्यूमन ना पहुंच पाए और ह्यूमन टू एनिमल ना पहुंच पाए। तो एक शब्द है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आप सबके साथ। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, अगला सवाल मेरा आपसे है, कोरोना से ठीक होने के बाद भी क्या वैक्सीन का डोज लेना उतना ही जरूरी है? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों ने फर्स्ट डोज ली है, उसी बीच में उन्हें कोरोना हो गया है, तो पहले फर्स्ट डोज वैक्सीन की ली और उसके बाद कोरोना हो गया, उसके बाद जो अगली डोज है वो लगवाना कितना महत्वपूर्ण है और क्या जरूरी है? देखिए, ये तो शुरू से साइंटिस्ट हमारे कह रहे हैं कि बेसिकली अगर डिजीज आपको हुई है या फिर आपने वैक्सीनेशन किया है तो आपको 100% प्रोटेक्शन तो नहीं मिल सकता है, बस ये है कि आप रीजनेबल लेवल ऑफ एंटीबॉडीज हो सकती हैं जो कि आपको आने वाले इन्फेक्शन से या री इन्फेक्शन से बचा सकता है। तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आप निश्चित तौर पे ये मानिए कि उन लोगों में देखा गया है जिन्होंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगवाया है, कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हुए और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने असमय मौत के मुँह में चले गए, वो लोग जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद ये 100% प्रूवन है कि आपको गंभीर बीमारी जो है वो नहीं होगी, और वैक्सीन की इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी आपके शरीर में तो आपको कॉम्प्लिकेशन से, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगा। पहली डोज के बाद निश्चित तौर पे, क्योंकि वो एक टाइमिंग डोज होती है, तो आपको पूरा प्रोटेक्शन तो नहीं दे सकता है, लेकिन कुछ हद तक तो आपको सेव करता ही है। और पहले ये माना जाता था कि आप वो वैक्सीनेशन की दोबारा ज़रूरत नहीं है बीमारी होने के बाद, अगर आप वैक्सीन लगवा चुके सिंगल डोज या फिर आपको बीमारी हुई है तो शायद आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ हो, लेकिन ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि इसमें लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडीज़ नहीं होते, क्योंकि बीमारी भी रिसेंट है, इस पर भी काफ़ी हद तक रिसर्च चल ही रहा है। तो इसमें बूस्टर डोज की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, और ये देखा गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है और जो कोविड की अथॉरिटीज़, उन्होंने बोला है कि अगर किसी लोगों को, किसी व्यक्ति को अगर वैक्सीनेशन के सिंगल डोज के बाद बीमारी हुई है तो उनको टीकाकरण जो है वो सेकेंड डोज दे में डिले अप टू 3 months। पहले ये 6 हफ्ते तक था, लेकिन ये फिर बढ़ के फिर 12 हफ्ते तक हो गया है कि जो वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज है वो बीमारी होने के 8 से 12 हफ्ते के बाद वो लगवा सकते हैं, और उनमें एफिकेशियस भी होगा कि अगर बीमारी से आपकी एंटीबॉडीज इतनी नहीं बन पाई है, आपका वायरल लोड रहा हो, तो ये जो बूस्टर डोज है आपके इम्यून सिस्टम को प्राइम करेगा और आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी, जिससे कि आपको रीइंफेक्शन या दोबारा जो म्यूटेटेड वायरस है इन्फेक्शन से बचा सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर विनय, वैक्सीन को लेकर अगला सवाल ये है यहाँ पर कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं वैक्सीन के, खासतौर से दोनों डोजेस लगवाने के बाद, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद में,
जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रहती हैं वो कब तक रहती हैं, क्या ये पूरी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहेंगी या इसके लिए आगे आने वाले समय में बूस्टर जैसी कोई चीज़ या वैक्सीन भी आएगी जिसे कुछ कुछ समय के बाद लोगों को लगवाना ज़रूरी होगा? जी देखिए, वैक्सीन अभी लाइफ लॉन्ग की तो हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि अभी भी ये नई बीमारी जी। डॉक्टर विनय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपसे दोबारा संपर्क साधने का हम प्रयास करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर आशीष, वही सवाल मैं आपसे रिपीट कर देती हूँ जो सवाल मैं पहले डॉक्टर विनय से बात कर रही थी। वैक्सीन की हम लगातार बात कर रहे हैं, वैक्सीन की दोनों डोजेस कंप्लीट कर लेने के बाद, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद, क्या जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी में रह सकती हैं या आगे भी हमें समय समय पर बूस्टर की ज़रूरत पड़ती रहेगी? ना, क्योंकि ये बीमारी 2020 मार्च से शुरू हुई थी और इस पे रिसर्च इज ऑनगोइंग चल रहा है अभी, और हमने ये देखने को हमको मिला है कि बेसिकली नेचुरल इन्फेक्शन से, वैक्सीनेशन से आपको लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन है, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में ये जैसे स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा में होता है कि एनुअल बूस्टर ज़रूरी होते हैं, तो कोविड में भी ऐसा हो सकता है कि आपको एनुअल वैक्सीनेशन शॉट्स लेने की ज़रूरत पड़े। फिलहाल जो हमारे पास डेटा है वो 3 से 6 महीने, 6 से 8 महीने का है, उसमें देखा गया है कि नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद एक निश्चित समय तक जो है आपकी एंटीबॉडीज आपके शरीर में आपको रीइन्फेक्शन या गंभीर होने से आपको बचाएगी, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग आपके पास नहीं रहेगा एंटीबॉडी प्रोटेक्शन, और हो सकता है आपको एनुअल बूस्टर्स के लेने पड़ेंगे डिफरेंट वैक्सीन। जी बिल्कुल, आगे बढ़ूंगी मैं। और डॉक्टर आशीष, अगला सवाल ये है कि जिस तरह से आज के दौर में कोविड पॉजिटिव होने के बाद में कई लोगों को ये कहा जा रहा है, हालांकि ब्लैक फंगस की जो परेशानी है वो ज़्यादातर डायबिटिक लोगों को या इम्यूनिटी प्रोन लोगों के लिए ज़्यादा खतरे में बनी हुई है, लेकिन उसके अलावा भी कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी जो लेते रहते हैं, आप जनरल उसमें चाहे बात करें प्रोटीन ड्रिंक्स की बात कर लें या अन्य चीज़ों की बात कर लें, जिंक की यदि हम बात करें तो कुछ मात्रा में तमाम चीज़ों में जिंक अवेलेबल होता है, तो आज के समय में क्या हमें ऐसी हर चीज़ से बचाव करना चाहिए जिसमें अलग से सप्लीमेंट्स मिले हुए हों, या फिर हमें अपने बेसिक जो खान पान है उस पर ही निर्भर रहना चाहिए, इन चीज़ों को फिलहाल के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, 1.5 साल से हम लोग 2 साल से उस तौर पे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स ऐसे आए जो कि इम्यूनिटी बूस्टर्स अपने आप को क्लेम करने लगे, बहुत सारी दवाइयाँ आई, बहुत सारे खान पान में ऐसी चीज़ें, अब ऐसा देखने को मिल रहा है शक्कर और नमक भी इम्यूनिटी बूस्ट करने लगा। बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारा बेसिक न्यूट्रिशन ठीक है, हमारा खान पान पौष्टिक है, हम प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ले रहे हैं जो कि हेल्दी हो, और हम प्रचुर मात्रा में अगर फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमारी इम्यूनिटी भी ठीक होगी। तो उसको सप्लीमेंटेशन करने की बहुत ज़्यादा मेडिकेशन वाइज अलग से दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखा गया है कि ओवर द काउंटर जो मेडिसिन वगैरह लोग ले लेते हैं बिना डॉक्टर की राय के, उससे हमें परहेज करना चाहिए, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड इस बात पे कायम रहते हुए हमें बहुत ज़्यादा दवाई एज एन इम्यूनिटी बूस्टर हमें नहीं लेनी चाहिए, अपने खान पान जो है वो पौष्टिक होना चाहिए बस। जी बिल्कुल, बच्चों की भी आशीष, डॉक्टर आशीष यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ तो बच्चों को लेकर कई ऐसे पेरेंट्स हैं या कई बार ऐसे एलोपैथी के अलावा जो दूसरे मेथड्स हैं उसमें सजेस्ट किया गया है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ ड्रॉप्स या कुछ चीज़ें, तो क्या हमें बच्चों को ये सब देना चाहिए या फिर जिस तरह से आपने बोला कि खान पान से प्रचुर मात्रा में मिल जाता है हमें और हमारी इम्यूनिटी भी बेटर रह सकती है, तो हमें खान पान पर ही निर्भर रहना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को इस बात को लेकर मैंने कंसर्न देखा है उनका, कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उनके साथ साथ उनके बच्चों को भी एक हद तक वो सिक्योर कर सके। इसका कंसर्न जो है वो जायज़ है, बच्चों के बारे में सभी लोग सोचते हैं, और पेरेंट्स का ये सोचना होता है कि भाई हमारे बच्चे और उनको ये संक्रमण कोई बीमारी ना हो, तो मैं इनसे उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों का टीकाकरण टाइम से करवाते हैं, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन उसका अप टू डेट रखते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है।
लेकिन ओवर द काउंटर जाके और मेडिकल स्टोर से ये इम्यूनिटी बूस्टर्स परचेज करना और बच्चे को देना, ये बहुत हद तक जो है हम लोग इस चीज़ को सही नहीं मानते, क्योंकि तो हर बीमारी के लक्षण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आयरन की कमी होती है तो देखा गया है कि एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उस केस में अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको आयरन डिफिशिएंसी ऐसी डाइट आपको बताएगा जिससे आपको नेचुरल आयरन मिल सके और आपका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कर सके। उस तरह से बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे विटामिन होते हैं, हमने देखा है विटामिन की डिफिशियंसी से जो है एंग्लोचिलोसिस बच्चे के होंठ साइड में कट जाता है, या जिंक की कमी से उनको एग्जिमा लाइक हो जाते हैं। तो हर बीमारी के साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी देखा गया है कि मसूड़ में से खून आ सकता है, मसूड़े सूजे हो सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी से देखा कि हड्डियों में थोड़ा सा चौड़ापन आ जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो अलग अलग जो विटामिन से मिनरल्स उनकी कमी से अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन वो जब एक डॉक्टर को दिखाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा और वो सजेस्ट करेगा कि भाई आप ये जाँच करा लो, अगर उस चीज़ की कमी निकलती है तो स्पेसिफिक मेडिकेशंस फॉर स्पेसिफिक डिजीज़ इसको फॉलो करना चाहिए। बहुत सारा ऐसे रूटीन सप्लीमेंट्स मार्केट से लेकर परचेज करने में कोई फ़ायदा नहीं होता है। पेरेंट्स को लगता है कि अगर फ़ायदा नहीं होगा तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये तो हम लोगों ने देख के बहुत ज़्यादा जो लोग प्रोटीन प्रिपरेशंस लेते हैं उनकी असमय किडनी जो है डिजीज़, किडनी फेल भी हो सकती है, उनको डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है, या बहुत ज़्यादा बेसिकली जो फैटी फूड वगैरह लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उनकी ना। तो एक्सेस मेडिकेशन से या बीमारी के लक्षण आ रहे हो सेवन करना चाहिए, फोकस जो है खाली वैक्सीनेशन पे होना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर विनय, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? जी हाँ जी। डॉक्टर विनय, अगला सवाल मेरा ये है कि कोविड से ठीक होने के बाद जिस तरह से लोगों में बहुत सारे पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी देखे गए हैं और कई बार लोगों को लंबे समय तक इन बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिन लोगों को एस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या दिए गए थे बीमारी के दौरान, कोविड के दौरान, उनका तो डायबिटीज़ बढ़ा होना आम बात है, लेकिन क्या जिन्हें एस्टेरॉइड्स नहीं दिए गए हैं उनको भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स में थोड़ा सा डायबिटीज बढ़े रहना, क्या ये सामान्य है या हो सकता है? देखिए भाई, स्टेरॉइड जो होता है, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हेलो जी, आप अपना जवाब कंप्लीट करें, आवाज आ रही है। देखिए, कोई भी स्ट्रेस या कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ाती है, जिसको हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट कहते हैं। तो जब भी कोई बीमारी या ये जैसे कोविड है, कोविड में तो वैसे ही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो जब भी कोविड से कोई पर्सन जूझता है तो ऑलरेडी उसके स्ट्रेस की वजह से हाइपरग्लाइसमिक स्टेट होती है। साथ साथ में अगर स्टेरॉइड उसको चला दिए जाएं तो, क्योंकि स्टेरॉइड्स इस समय हम मेन लाइन ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो स्टेरॉइड जो बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो आपको ऐसा होता है कि डायबिटीज़ की तरफ शरीर को ले जाता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टेरॉइड यूज़ करने से डायबिटीज़ हो ही जाएगी। कुछ समय तक हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट रह सकती है, आपका शुगर का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ रह सकता है, पर जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, हेल्दी इंडिविजुअल हैं, उनको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनको पहले से ही डायबिटीज़ है उनको बहुत ज़्यादा समय तक हम स्टेरॉइड पे नहीं रख सकते, और उन्हें स्टेरॉइड इंड्यूस डायबिटीज़ हो सकती है, और वो काफ़ी ससेप्टिबल होते हैं, यानी वो काफ़ी प्रोन होते हैं इस चीज़ के लिए कि उनका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। देखिए, डायबिटीज़ और शुगर कंट्रोल दो अलग अलग चीज़ें हैं। डायबिटीज़ होना एक अलग बात है, लेकिन अनकंट्रोल्ड शुगर होना ये एक अलग बात है। डायबिटीज़ होते हुए भी आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के जरिए समय से दवाइयाँ लेते हुए अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको शुगर अनकंट्रोल्ड है उस वो गलत बात है, और अनकंट्रोल्ड शुगर का एक कारण ये स्टेरॉइड यूज है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विनय, कोविड से ठीक होने के बाद 160 टू 180 के बीच में ब्लड शुगर का होना कई मरीजों में देखा गया है, क्या ये आम है या यहाँ पर व्यक्ति को सावधानी या सचेत होने की जरूरत है? बताया ही कि स्टेरॉइड यूज करने से जी, जिन लोगों को स्टेरॉइड नहीं यूज किया गया है उन लोगों के बारे में भी मैं जानकारी चाह रही हूँ। मैंने बताया आपको कि स्ट्रेस
से हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होती है। स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस होता है बॉडी में, आप देखें कि किसी को कोई चोट लग जाए तो भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है जिसमें बॉडी शुगर के लेवल को बढ़ाती है एनर्जी को देने के लिए बॉडी को। तो 160 टू 180 अगर स्टेरॉइड यूज भी नहीं हुआ है लेकिन वो स्ट्रेस में है तो कुछ समय तक, 2-4 दिन के लिए तो मैं मानता हूँ कि 2-4 दिन, हफ्ते भर के लिए तो एक नॉर्मल बात कही जा सकती है, लेकिन अगर ये परसिस्टेंट हाई रहता है और ऐसे इस रेंज में रहता है तो उनको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनको अपने डॉक्टर की सलाह से फिर एक HbA1c एक जांच होती है जिसमें हम लगभग 90 दिनों का शुगर का लेवल चार्टिंग जैसा होता है उस हिसाब से एक एवरेज शुगर कैलकुलेट करते हैं। तो ये पता चलता है कि जी यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी डॉक्टर विनय, समय हमारे कार्यक्रम का समापन की ओर है, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आशीष आप भी हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में कोरोना के लक्षण के साथ ही साथ घर में रहने वाले पालतू जानवरों से हमें कितना खतरा है या हमसे उन्हें कितना खतरा है, इस बारे में जानने का प्रयास किया है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ यदि हम कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो हम स्वयं भी और साथ ही साथ अपने घर में बच्चों और पालतू जानवरों, इन सभी को सुरक्षित रख सकते हैं। आप सभी से एक बार फिर से अपील है कि वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं, जागरूकता फैलाएं और साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाते रहें। इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।